हेलो दोस्तों, राधे राधे, राधे कृष्ण। आज किशन का एक नया कहानी, तो देखिए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते, राधे राधे। यदि मन में प्रेम हो तो विश्व जीता जा सकता है, और यही पाठ संसार को पढ़ाने के लिए नारायण और लक्ष्मी का सातवां अवतार आया था, श्री राम और सीता के रूप में। सातवां अवतार, किंतु छठा अवतार कहाँ गया? छठा अर्थात भगवान परशुराम। राधा, भगवान परशुराम और श्री राम की गाथा एक दूसरे से संबंधित है। राम की गाथा में परशुराम है और परशुराम के नाम में ही राम। राम और सीता के जन्म की, उनके जन्म से उनके मिलन तक की अनेक कहानियां हैं, किंतु मैं ये कहानी तुम्हें उस क्षण से सुनाऊंगा जो क्षण मेरे लिए अत्यंत प्रिय। राधा, वो क्षण था जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर दिखाने सीता की नगरी मिथिला लेकर गए। राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मिथिला के महल की उस सुंदर वाटिका में विचरण कर रहे थे। सीता को देखकर राम को लगा जैसे जैसे ब्रह्मदेव ने संसार की सारी सुंदरता उनके नेत्रों के समक्ष लाकर रख दी। फिर क्या हुआ? बताओ ना कृष्ण, फिर आगे क्या हुआ है? फिर राम और सीता ने एक दूसरे को पहली बार देखा। दूसरे के हो गए थे। पता नहीं क्यों कृष्ण, किंतु इस कहानी के आरंभ में ही मुझे अद्भुत प्रेम की अनुभूति हुई। मैंने ये जो सारी कहानियां तुम्हें सुनाई रहा था, इसी कहानी के लिए तो सुनाई। ये अत्यंत महान गाथा है जिसे सुनकर
तुम्हारे मेरे इस संबंध के विषय में तुम्हें जो भी शंका है, जो भी संदेह, सब दूर हो जाए। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं राधा, तुम्हें सारे उत्तर मिल जाए। सच मुझे क्षण की प्रतीक्षा है, किंतु कृष्ण, राम और सीता को केवल एक ही दृष्टि में एक दूसरे से इतना पवित्र और शुद्ध प्रेम हो गया, कैसे? जो जन्म जन्मांतर के प्रेमी होते हैं ना, एक दूसरे के नेत्रों में देखकर ही एक दूसरे की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां उन्हें अनुभूति होती है परिशुद्ध प्रेम की, जैसे हम हैं, जैसे तुम और मैं, जैसे राधा और कृष्ण। मैंने जो पहली बार तुम्हें देखा था, उसी क्षण मुझे तुमसे प्रेम हो गया। ऐसा प्रेम जो आत्मा से जुड़ा, ऐसा प्रेम जो अनंत, जो अखंड, ऐसा प्रेम जो अथाह है।